हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं दोस्तों मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। और दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने जबरदस्त क्लास लेकर आया हूं दोस्तों इतिहास की। ये वे क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। इस क्लास के अंदर दोस्तों मैंने 15 टॉप क्वेश्चन तैयार किए हैं आपके लिए। और दोस्तों, इतिहास में अब की बार 100 में से 100 नंबर लाने हैं दोस्तों, किसी को भी चूकना नहीं है, ठीक है। आपको पता है कि आपका 27 मार्च को एग्जाम है और कल आपकी छुट्टी है, तो बिल्कुल दोस्तों कल आपकी छुट्टी है तो इनको आज याद कर लीजिएगा दोस्तों कि कल करेसु आज करेसु अब पल में पाछा पड़ जावेला, ठीक है। तो इनको बिल्कुल दोस्तों आज ही रट लो दोस्तों, ठीक है। ऐसे मत सोचो कि कल याद कर लेंगे, इनको आज ही याद कर लेना है, ठीक है। मैं आपके सामने 15 टॉप क्वेश्चन तैयार लेके आया हूं दोस्तों। ये वे क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों जो एमपी बोर्ड में पूछे गए हैं, ठीक है, एमपी बोर्ड के अंदर। तो बिल्कुल दोस्तों राजस्थान बोर्ड वाले सभी इनको याद कर लीजिएगा, 15 टॉप क्वेश्चन है, अच्छे से रट लीजिएगा दोस्तों। और ये क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये आपके निबंधात्मक क्वेश्चन के अंदर पूछे जाएंगे। इन 15 क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन को छोड़कर बाकी 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन दोस्तों हैं। इन 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, फटाफट रट लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अच्छे नंबर लाने हैं तो इनको आज रट लो दोस्तों। यही दोस्तों आपके लिए यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड परीक्षा में 100% आएंगे दोस्तों ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, मैं यहां पर आंसर नहीं बताने वाला हूं दोस्तों, आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन करवा रखे हैं, ठीक है। मेरे नोट्स के अंदर आपको मिल जाएंगे, नोट्स के अंदर भी करवा रखे हैं और बाकी मैंने ब्लूप्रिंट के अनुसार भी करवा रखे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये वे इन क्वेश्चन के आंसर आपको ढूंढने हैं और आपकी कल छुट्टी भी है, तो बिल्कुल दोस्तों अच्छे से इनको रट लीजिएगा। तो मैं सबसे पहले दोस्तों यहां पर प्रमुख क्वेश्चन की बात करता हूं, ठीक है। आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि आप कैसे कह सकते हैं कि इब्न बतूता एक हठीले यात्री था, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना दोस्तों। ये आपका जो चैप्टर है 5वां, यात्रियों के नजरिए, उससे उठाया गया क्वेश्चन है कि आप कैसे कह सकते हैं कि इब्न बतूता एक हठीले यात्री था, एक जिद्दी यात्री था, आप कैसे कह सकते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। ये मेरे चैप्टर नंबर 5 यात्रियों के नजरिए, उस चैप्टर में इसका आंसर मिल जाएगा, अच्छे से रट लेना दोस्तों आप। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि विजयनगर के प्रशासन में अमरनायक प्रणाली की भूमिका बताइएगा, ठीक है। विजयनगर के प्रशासन में हमें अमरनायक प्रणाली की भूमिका बतानी है और एग्जाम में प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अमरनायक प्रणाली पर टिप्पणी लिखिए या फिर अमरनायक प्रणाली से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अमरनायक प्रणाली को संक्षेप में बताइएगा, इस तरीके से प्रश्न कैसे भी पूछे तो दोस्तों प्रश्न देखिएगा, आंसर तो वही लिखना है, ठीक है। घुमा फिरा कर कैसे भी आ जाए प्रश्न, विजयनगर के प्रशासन में अमरनायक प्रणाली क्या थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजयनगर के प्रशासन में अमरनायक प्रणाली की भूमिका बताइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रट्टा लगा लो दोस्तों रट्टा, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, 16 महाजनपदों के नाम बताते हुए उनकी विशेषता ही बताइएगा, ठीक है। 16 महाजनपद हैं, उनके नाम बताने हैं और 16 महाजनपदों की आखिर विशेषता क्या है, इनकी विशेषता क्या है। 16 महाजनपदों के नाम याद कर लेना, जैसे काशी, कुरु, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कौशल, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अचक, अवंती, गांधार, कंबोज, 16 महाजनपद हैं। काशी, कुरु, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कौशल, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अचक, अवंती, गांधार, कंबोज, 16 महाजनपद याद कर लेना। और एक नंबर वाला क्वेश्चन महाजनपद से ये पूछा जा सकता है, कौन से महाजनपद की क्या राजधानी है, काशी की राजधानी बताओ वाराणसी, कुरु की महाजनपद की राजधानी बताओ इंद्रप्रस्थ, अंग की चंपा, मगध की राजगिरी या गिरिवर्त, मगध की वर्तमान राजधानी पाटलिपुत्र है। यानी कहने का मतलब है कि राजधानियां भी याद होनी चाहिए। अब महाजनपदों की आखिर विशेषता क्या है, वो आपको विशेषता बतानी है दोस्तों। और महाजनपदों का उल्लेख इसमें मिलता है तो एक बौद्ध ग्रंथ है दोस्तों, अगुत्र निकाय, बौद्ध ग्रंथ है अगुत्र निकाय। अगुत्र निकाय में दोस्तों महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। 16 महाजनपदों में जो शक्तिशाली महाजनपद था वो था मगध। 16 महाजनपदों में शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, मगध, याद कर लेना। इसके बाद मैं बात करता हूं प्रश्न नंबर 4 की। इब्न बतूता के अनुसार भारतीय डाक प्रणाली की विशेषता बताओ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इब्न बतूता के अनुसार ये भी अपने चैप्टर नंबर जो 5वां है यात्रियों के नजरिए, उसे उठाया गया है
कि बताइएगा क्या पूछा है, भारतीय डाक प्रणाली। इब्न बतूता के अनुसार भारतीय डाक प्रणाली पर आपको क्या बतानी है, विशेषता बतानी कि भारतीय डाक प्रणाली के बारे में आप क्या जानते हैं। डाक व्यवस्था है, अशु डाक व्यवस्था, पैदल डाक व्यवस्था, तो उनके बारे में इब्न बतूता के अनुसार हमें बताना है कि भाई इसकी क्या विशेषता है डाक प्रणाली की। इंपॉर्टेंट रट लेना दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल याद कर लेना इनको, अच्छे से रट्टा लगा लेना, ठीक है। देखो इब्न बतूता के अनुसार भारतीय डाक प्रणाली, जो ये काम आज ही कर लेंगे वो परसों के दिन यानी कि हम कह सकते हैं 27 मार्च को बहुत खुश होंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जरूर मिलेंगे दोस्तों। इनको मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिल्कुल आंसर तो ढूंढने पड़ेंगे, याद करना पड़ेगा, बिल्कुल इनको रटना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। देखिएगा अगला क्वेश्चन मैंने करवा रखे, इसीलिए विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी की संक्षेप में उल्लेख कीजिए। विजयनगर जो साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, 1336 ईस्वी में की थी, हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे, उन्होंने 1336 में की थी तुंगभद्रा नदी के किनारे। पूछा है कि विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी पर संक्षेप में टिप्पणी लिखी है, क्या पूछा है कि विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी के संक्षेप में उल्लेख करें, तो विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी के बारे में दोस्तों आपको संक्षेप में उल्लेख करना है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है, प्यारे मित्रों इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर टॉप करना है तो इनको अच्छे से रट लीजिएगा दोस्तों, एग्जाम में टॉप करना है तो इनको अच्छे से रट लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे ही नहीं बनाए जाते, पहले देखना पड़ता है कि भाई कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों क्वेश्चन, इनको अच्छे से रट लेना है आपको, ठीक है। आगे देखते हैं, हड़प्पा निवासियों के निर्वाह के तरीके बताओ, तरीकों का विवेचना कीजिए। हड़प्पा क्या पूछा है, हड़प्पा निवासियों के, हड़प्पा निवासी के निर्वाह के तरीके आपको बताने हैं और तरीकों का विवेचना करना, बिल्कुल आप लिख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के, हड़प्पा निवासियों के निर्वाह के तरीके। निर्वाह के तरीके में क्या है, जैसे कृषि हो गई, पशुपालन है, व्यापार है, शिकार, इनके बारे में आपको विवेचना करनी है, ठीक है। तो जैसे हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि कार्य भी करते थे, पशुओं को भी पालते थे, व्यापार भी करते थे, शिकार भी करते थे, पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, ठीक है। जन नेता के रूप में महात्मा गांधी का उत्थान का वर्णन कीजिए, कई बार करवा रखा मैंने कि महात्मा गांधी जो है वो जनता के बीच किस प्रकार ये लोकप्रिय थे, ठीक है। महात्मा गांधी को जनता क्यों चाहती थी, देखो जन नेता के रूप में महात्मा गांधी का उत्थान का वर्णन कीजिए, ठीक है, यानी महात्मा गांधी जो है वो जनता के बीच किस प्रकार लोकप्रिय थे वो बताना है, ठीक है, बिल्कुल मेरे नोट्स के अंदर मिल जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रट्टा लगा लो एक एक क्वेश्चन को, देखिएगा। आगे देखते हैं, औपनिवेशिक शहर में रिकॉर्ड्स जो है वो संभाल कर क्यों रखे जाते थे, ये भी मैंने कई बार करवा रखा है। औपनिवेशिक शहर में रिकॉर्ड संभाल कर क्यों रखे जाते थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। औपनिवेशिक जो शहर है अपना चैप्टर नंबर शायद 12वां है, औपनिवेशिक शहर उसमें से ये लिया गया क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। औपनिवेशिक शहर में रिकॉर्ड संभाल कर क्यों रखे जाते थे, ये पहले या दूसरे पेज में इसके नोट्स के अंदर ये शामिल है, ये क्वेश्चन मैंने लिया है, आप वहां से देख लेना इसका आंसर, ठीक है। रट्टा लगा लो बिल्कुल दोस्तों, अगर टॉप करना है तो उनको रट्टा लगा लेना आप सभी को। आगे देखते हैं, सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है, सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है, और आगे बतानी है सहायक संधि की प्रमुख शर्तें, सहायक संधि की शर्तें बताओ, सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है। सहायक संधि डॉक्टर जो वेलेजली है, वेलेजली को सहायक संधि का जनक कहा जाता है। अब सहायक संधि का प्रमुख शर्तें हमें बतानी, कोई भी शर्तें हैं वो आपको लिखनी है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। गांधी जी की नमक यात्रा क्यों उल्लेखनीय थी, जो गांधी जी की नमक यात्रा थी वो क्यों उल्लेखनीय थी वो हमें बतानी है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 11, आप देख सकते हैं इस्तमरारी बंदोबस्त क्या है, ठीक है। इस्तमरारी बंदोबस्त जो है वो क्या है, रट्टा लगा लो इस्तमरारी बंदोबस्त, 1793 में बंगाल में हुआ था इस्तमरारी बंदोबस्त। इस्तमरारी बंदोबस्त क्या है, तो इस्तमरारी बंदोबस्त सर्वप्रथम कहां लागू हुआ, तो 1793 में बंगाल में, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने का जो एक स्थायी समझौता था उसे हम कहते थे इस्तमरारी बंदोबस्त, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल जमींदारों के बीच कर वसूलने का यानी एक स्थायी समझौता हम कह सकते हैं स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। तो स्थायी बंदोबस्त क्या है, तो यह परिभाषा भी आपको अच्छे से याद कर लेनी है।
कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल जमींदारों के बीच कर वसूलने का जो बंदोबस्त या समझौता है वो है इस्तमरारी बंदोबस्त। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है कि अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए। अंग्रेजों ने जो विद्रोह हो रहा था, ठीक है, विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से होती है, तो अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमपी बोर्ड 2023 के अंदर पूछा गया प्रश्न था और अपने राजस्थान बोर्ड में दोबारा पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है नहीं, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, एमपी बोर्ड में पूछा गया है। अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए, अपने बोर्ड में पूछा जा सकता है, राजस्थान बोर्ड में, कि अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए, रट्टा लगा लेना दोस्तों इसको अच्छे से। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, विजयनगर की जल संरचना प्रणाली का वर्णन कीजिए। जो विजयनगर की जल संरचना प्रणाली थी उसका वर्णन जो है वो अपने शब्दों में करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक तो ये क्वेश्चन था, विजयनगर की प्रमुख किलेबंदी कहाँ चला गया भाई क्वेश्चन, ये रहा, विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी का संक्षेप में वर्णन करो, और एक ये इंपॉर्टेंट है, विजयनगर की जल संरचना प्रणाली का वर्णन करो, किलेबंदी और जल संरचना प्रणाली इनको अच्छे से देख के जाना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। फिर मुझे मत कहना कि भाई आपने बताया नहीं, मैं तो ये बता रहा हूँ और ये 27 मार्च को आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है आगे आपके सामने 14वां क्वेश्चन कि इब्न बतूता द्वारा पान का वर्णन किस प्रकार किया गया, ठीक है, 5वां चैप्टर यात्रियों के नजर से लिया गया है। इब्न बतूता द्वारा पान का वर्णन किस प्रकार किया गया और इब्न बतूता द्वारा डाक प्रणाली का वर्णन किस प्रकार किया गया, यहां पर था पहला क्वेश्चन, इब्न बतूता एक हठीली यात्री था और यह आ गया इब्न बतूता द्वारा पान का वर्णन किस प्रकार किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं, ये भी एमपी बोर्ड में पूछा गया है, विश्वास नहीं होता है तो पेपर जाके देख लो, पता चल जाएगा, बिल्कुल राजस्थान बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इब्न बतूता द्वारा पान का वर्णन किस प्रकार किया गया, इब्न बतूता द्वारा पान का वर्णन किस प्रकार किया गया। नेक्स्ट है आपके सामने, महानवमी डिब्बा का सांस्कृतिक महत्व बताइए। जो महानवमी डिब्बा है, ठीक है, उसका महत्व बताना है, सांस्कृतिक महत्व, ठीक है। तो दोस्तों ये 15 ऐसे क्वेश्चन थे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको आप रट्टा लगा लीजिएगा दोस्तों, अच्छे से कॉपी में लिखिएगा और इनको अच्छे से पढ़िएगा, और बिल्कुल दोस्तों निबंधात्मक क्वेश्चन के अंदर ये पूछे जाएंगे, आपके पक्के नंबर हो जाएंगे दोस्तों, इनको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बात करते हैं दोस्तों अब लाइव क्लास की, कई दोस्त कहते हैं कि भैया लाइव क्लास, देखो दोस्तों आपका नाम भी लिया जाएगा लाइव क्लास के अंदर, आज होगी शाम को 5 बजे लाइव क्लास होगी, सभी को जुड़ना है दोस्तों, उसमें जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, अति लघुतरात्मक जो क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ जिसे बोलते हैं, सब क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल शाम को 5 बजे सभी को जुड़ना है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, और इस क्लास को दोस्तों आज ये काम आपको करना है, आज के दिन, ठीक है, ध्यान रखना है। और अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, ओके।